मौसम तीज त्योहारों का है, अपनों से दूर रहने से त्योहारों की जो खुशी है वो खुशी ना होकर मन में एक टीज पैदा करती है। देखिए संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। दरअसल पूरा मामला रायगढ़ जिले के सबसे बड़े तहसील सारंगढ़ के ग्राम दमदरहा से जुड़ा हुआ है। यहां 19 परिवारों को अच्छे काम दिलाने के नाम से गांव का ही वासुदेव नाम का झारा युवक ग्राम कालवा चिरवा पेडाली तेलंगाना ले गया था, जहां पर पहुंचने से कुछ दिनों तक तो काम और पैसा दोनों मिलते रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बिताते गए जिस काम के लिए ले जाया गया था उस काम को न करवाकर उसके बदले में ईंटें बनाने का काम दिया गया। इस बात का विरोध करने पर ग्रामीणों को परेशान भी किया जाता था, जिसकी इन परिवार में से एक व्यक्ति बसंत कुमार झारा वापस गांव आ गया और इसकी शिकायत रायगढ़ पुलिस अधीक्षक दीपक झा को दी, जिस पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सारंगढ़ से विशेष पुलिस की टीम तेलंगाना के लिए रवाना हुई और 30 अक्टूबर तड़के पुलिस टीम तेलंगाना राज्य के ग्राम कालवाचीरा थाना क्षेत्र के रामगुंडम जिला पेड़ापल्ली पहुंचे। वहीं संबंधित थाना क्षेत्र की मदद से रामगुंडम में झाबुर के पास कार्यरत 7 अन्य और 13 परिवारों को ठेकेदारों के चंगुल से आजाद कर सारंगढ़ लाया गया, जिसकी आधिकारिक पुष्टि सारंगढ़ SGOP ने की। फिर हमारे जाति समाज का एक लड़का है वासुदेव छोटा, वो आया हमारे पास और बोला कि नागपुर में चलो, वहाँ मूर्ति बन रहा है, वहाँ 3-4 महीने का सेंटर चलेगा तुम लोगों का और महिलाओं को 350 रुपये और पुरुष को भी 350 रुपये वहाँ रोजी मिलेगी तुम लोगों को, वहाँ रहने की सुविधा अच्छा है, रहने खाने पीने की सुविधा अच्छा है, वहाँ पेमेंट भी अच्छी की जाती है, ऐसा बोल के हमको नागपुर ले गया। नागपुर में जाने के बाद उसने नागपुर में मूर्ति नहीं बन रहा है बोला, उसके बाद वो हमको तेलंगाना ले गया। धीरे 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 इतना दूर है, थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर है बोल के हमको नागपुर से सीधा तेलंगाना ले गया, कल्ला चिरला, और ईंट भट्टी है वो, वहाँ ईंट भट्टी के पास ले गया हमको। और जब हमने पूछा कि उसको कि इधर मूर्ति किधर बनता है बोल के, तो वो बोला हमें कि इधर मूर्ति अभी बनना बंद हो चुका है कुछ दिनों के लिए, अभी ये भट्टी है, यहाँ रोजी मजूरी कमाओ, यहाँ जो लेबर लोग आते हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था बनाओ, घर बनाओ उनके लिए बोला। फिर हम लोग हाँ बोले। आप लोग कितना व्यक्ति थे? हाँ, हम लोग यही बच्चे बूढ़े जवान करके, महिलाएं बच्चे करके हम लोग 40-42 लोग थे। आगे फिर क्या हुआ? हाँ, उसके बाद हमने अब काम करने की ठानी, फिर हमने काम भी की वहाँ पे। उसके बाद हमने बोला सरदार को कि यहाँ हम लोग ऐसे काम नहीं कर पाएंगे, वैसे भी तू हमको झूठ बोल के लाया है, हम लोग मूर्ति कलाकार लोग वाले लोग हैं, शिल्प कलाकार लोग हैं, हम लोग ऐसे धूप में बाहर में रहकर हम लोग ऐसे काम नहीं कर सकते, हमसे मालिक से बोलकर तू हमारा छुट्टी करा, जितना भी होता है हमारा हिसाब किताब करा बोले। उसके बाद वो बोला नहीं, यहाँ आने के बाद किसी का छुट्टी नहीं होता, ये छुट्टी का नाम मत लो, अगर छुट्टी का नाम लोगे तो मैं मालिक से बोल के तुम्हारा हाथ पे तोड़ा दूंगा, मारपीट करवाऊंगा बोला। फिर हम लोग ने डर के मारे, हम लोग और क्या करते वहाँ पे सर, फिर हमने वहाँ पे काम करना शुरू किया जैसे तैसे भी। हमको जब बुखार भी आता था ना, फिर भी हम लोग वहाँ टेबलेट खा के हम अपना मैंने सर एक मामला है रामदरहा का, उम्मीद गाँव का, क्या है पूरा घटना सर? ये थाना सारंगढ़ चौकी कर्णपुरा के अंतर्गत एक ग्राम दमदरहा है, बैगिम डी ग्राम का रहने वाला वासुदेव झारा नामक व्यक्ति है, जो काफी समय से तेलंगाना में रह करके काम करता है मजदूरी का, और काफी लोगों को ये तेलंगाना के लिए ले जाता है मजदूरी करवाने के लिए। तो ये दमदरहा गांव के भी लोगों को इसने ये लालच दे करके बुलाया था कि मूर्ति बनाने का काम करना है और अच्छा वहाँ उसका मजदूरी मिलेगी, तो ये लोग उसके जाल में फंस करके और थाना रामगुंडम जिला पेड़ापल्ली का गांव है कलवाचिरा, जो तेलंगाना प्रदेश में स्थित है, वहाँ गए थे। तो इन लोगों से जिस काम के लिए ले जाया गया था उस काम न करवा करके अन्य कार्य करवाए जा रहे थे, उसमें ईंटा भट्टा वगैरह में भी काम करवाया जा रहा था, लोडिंग और प्रताड़ित भी किया जा रहा था, मजदूरी भी सही ढंग से नहीं दी जा रही थी। तो उनके चंगुल से करीब 16 लोग बच करके आ गए थे अपने गांव दमदरहा, इनके द्वारा स्थिति को बताया गया और अपने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रायगढ़ के पास में इन लोग जाकर के अपनी व्यथा को बताए तथा आवेदन दिए,
पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस महोदय से चर्चा हुई, उनके द्वारा बहुत ही संवेदनशीलता प्रकट की गई इस मामले में। त्योहार का समय है और उसके पहले अगर आ जाए वो अपने परिवार में अपने घर में तो दीपावली मनाए तो एक अच्छी बात होगी। तो इसी उसको ध्यान में रखते हुए एक पुलिस पार्टी बनाई गई और पुलिस टीम को भेजा गया जहां इन लोगों का रहना था, कलवचेरा गांव, ग्राम दंदरहा के जो लोग वहां से छूट करके आए थे उसमें से एक दो लोग गए थे बताने के लिए इस जगह। अब चूंकि इतना जल्दी ही था तो उसमें श्रम विभाग और राजस्व विभाग की पार्टी मिलना मुश्किल हो गया, तो इसलिए सिर्फ पुलिस के द्वारा ही जाकर के वहां और इनको मुक्त कराया गया और इनकी मजदूरी दिलाई गई जितना होता था और वहां से सकुशल लेकर के आज सुबह 4 बजे इनके गृह ग्राम में पहुंचाया गया जो खुशी खुशी अपने गृह ग्राम में रह रहे हैं। कितने व्यक्ति थे सर वहां? वहां तो पूर्व में 16 लोग आए थे और अभी 41 लोगों को बनाया, पूर्ण रूप से आ गए हैं, सब आ गए हैं। अब वहां एक भी व्यक्ति दमदरहा ग्राम का नहीं बचा।